कदम कदम मिलाए जा, जो जिंदगी है देश की ये देश भी लुटाए जा। मेरे बड़े भाई सुमित्रा जी, मेरे नौजवान दोस्त जो आने वाले वक्त के अंदर अगर अच्छी मेहनत करेंगे किसी न किसी रूप में इस मातृभूमि की रक्षा जरूर करेंगे, चाहे वो IPS बने, चाहे वो IAS बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो कस्टम में जाए, चाहे पुलिस में जाए, किसी ना किसी रूप में जा करके अगर ये संकल्प करेंगे कि हम यहाँ शिक्षा लेने आए हैं, हमारा मकसद ये नहीं कि हम अपने लिए शिक्षा लेने के लिए आए हैं, अपने माता पिता के लिए आए हैं, परिवार के लिए आए हैं, जिस दिन आप ये संकल्प कर लेंगे हम मातृभूमि की रक्षा के लिए, सेक्युलरिज्म के ऊपर देश की रक्षा के लिए हम एक संकल्प लेने यहाँ आए हैं, तो आपको मंजिल जरूर जल्दी मिलेगी और आप किसी मुकाम पे जरूर पहुंचोगे। अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से थे, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, नौजवानों के लीडर थे, स्टूडेंट के लीडर थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और आपके लिए हमारे लिए हमेशा जिंदा थे, अमर रहेंगे, हमेशा हमारे पास रहेंगे, क्योंकि उनकी सोच थी स्टूडेंट के लिए, देश के लिए। एक सेकुलर थे, एक साइंसिस्ट थे, एक मुस्लिम थे, एक नौजवानों के लीडर थे, हिंदुस्तान उनके ऊपर गर्व करता है। कल्पना चावला करनाल की एक बेटी जिसने अमेरिका में जाके दुनिया के अंदर अपने मातृभूमि का नाम ऊंचा किया है, तो हम कहां नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी अमृतसर के एक मोहल्ले के थे, कहां जाके दुनिया के अंदर उन्होंने आज हिंदुस्तान में रह करके अपना नाम ऊंचा किया। हम अगर एक संकल्प कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है, देश के लिए करना है, अपने लिए करना है, समाज के लिए करना है, हमें मंजिल जरूर मिलती है। मित्रा साहब के बारे में अगर जो उन्होंने कहा, अगर देखा जाए उनकी सोच कितनी बड़ी है, वो कह रहे हैं ये तो नौजवान ही एवरेस्ट के ऊपर जा सकते हैं, अभी वो नौजवान है, उनसे भी ज्यादा है वो, तो कितनी मंजिल तक, कितनी ऊंचाइयों तक चले जाते हैं, और शायद आज भी कहीं बार इसी मिशन के लिए जा रहे हैं। उनको क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा, इतनी मुश्किलातों से कैसे चढ़ेंगे उसके एवरेस्ट के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, बर्फों के ऊपर कैसे जाएंगे, नीचे मौत है, फिर भी वो मंजिल को तय करना है। मकसद ये है कि मैं जिस मिशन पे चला हूं मुझको देख करके और भी इस मिशन में चले। हमारे जवान जब मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं, किस तरीके से अपने इस कड़क सर्दी के अंदर, कड़क गर्मी के अंदर, जबकि गोली जो है गोली चल नहीं सकती इतनी कड़क सर्दी के अंदर, पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। आज जो नोटबंदी के ऊपर चर्चा हो रही, नोटबंदी किस लिए है, हम बिगड़े हुए माहौल में रहे, हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं, पिछले समय में हिंदुस्तान की राजनीति ने हमें इतना बिगाड़ दिया है कि हमें ये नहीं पता कि आने वाला वक्त जो नौजवानों के लिए होगा वो कैसा होगा, स्टूडेंट के लिए कैसा होगा। हम कहते हैं हम तो बिगड़े हुए माहौल में है, पर आने वाला जो वक्त है, हमारी नई जनरेशन है, हमारा स्टूडेंट है, उसको ऐसा भारत मिले, ऐसा देश मिले, किसी जगह पे भी वो जाए, नौकरी के लिए जाए, कहीं भी जाए, उसको एक ऐसा डिसिप्लिन मिले, उसको किसी चीज की दिक्कत ना आए, उसको अमेरिका, कनाडा, जर्मनी ना जाना पड़े। हिंदुस्तान एक ऐसा देश बनाए हम कि नई जनरेशन के लिए एक नया रास्ता बने, हमारे जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए सारा सारा दिन खड़े रहते, गोलियां चलती हैं, जख्मी होते हैं, और हम 2 घंटे एक लाइन में खड़े नहीं हो सकते कुछ समय के लिए। पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाती हैं, स्वार्थ है सबके अपने, हम पार्लियामेंट के अंदर ये नहीं कह सकते हम मातृभूमि के लिए एक हैं। हमारे देश का हर नौजवान, हर व्यक्ति एक है, वो चाहता है हिंदुस्तान मजबूत हो,
सेकुलरिज्म आए, हमारे देश के अंदर किसी बहन का स्वाग ना उठे, को बच्चा यतीम ना हो, खून की नदियां ना बहे, हमें अमन शांति चाहिए, पर हमारी की पॉलिटिकल पार्टियों के लोग पार्लियामेंट के अंदर एक नहीं हो पाते। हमें अपने स्वार्थ है, हमें अपने मतलब है, हमें वोट बैंक की राजनीति करनी है। जिस दिन हम देश की मातृभूमि की सेकुलरिज्म की राजनीति करेंगे, ये देश कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। अब्दुल कलाम जी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, कौन व्यक्ति ऐसा था, कौन से धर्म का ऐसा व्यक्ति है जो उनके आगे आज भी सिर नहीं झुकाता, उनके नाम के आगे सिर झुकाता है। हम क्यों पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ऐसी सोच पे चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे में कमियां हैं, हमें पावर मिल जाती है, हमें पैसा मिल जाता है, हम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। हम यही समझते हमारी जिंदगी पता नहीं 200 साल, भगवान ने हमें जन्म दिया, एक वो मातृभूमि जिसने अपने आंचल में समा रखा है, वो माँ जो हमें जन्म देती है। हम क्या सोचते हैं, हमने जन्म लिया है, हम आज ये बने, हम आज MLA बने, फिर मंत्री बनेंगे, फिर हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी जिंदगी 200 साल है क्या? हम कभी सोचते नहीं, हमने कभी ये सोचा नहीं, आज है तो कल नहीं है, किसी की जिंदगी का कोई नहीं पता। पर जिस दिन हम ये सोच ले, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम अपने मुकाम पे चलते रहेंगे। आज मैं 3 चीजों को याद रख के चलता हूँ, इतने बम चले, इतनी गोलियां चली, शरीर के आधे हिस्से में लोहा भरा हुआ, मिशन लेके निकलता हूँ, मैं मिनिस्टर रहा, मैं हिंदुस्तान की यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, छोटी उम्र में मेरे हाथों से कई चीफ मिनिस्टर बन गए, कई मंत्री बन गए, कई MP बन गए, अभी ये ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बंगाल की, 6 साल मेरे साथ उसने काम किया स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान, मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट, 6 साल मेरे अंडर काम किया, ऐसे कई मिनिस्टर बन गए जिनका मुझे याद नहीं। मैं भी चीफ मिनिस्टर के लिए मुझे ऑफर हुई 96 में, मैंने इनकार कर दिया, मेरा मिशन मुल्क है, मेरा मिशन सेकुलरिज्म है, मेरा मिशन मातृभूमि की रक्षा है। जब पंजाब के अंदर हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ा जाता था, हजारों बच्चों को यतीम किया जाता था, खून की नदियां बहती थी, 36,000 बेगुनाहों का खून हुआ, जब किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा बेटी, मेरा पति घर से निकला है, वापस आएगा या नहीं आएगा, आतंकवादियों की बम्बों और गोलियों का शिकार हो जाएगा, जब पंजाब को हिंदुस्तान से अलग किया जा रहा था, जब पंजाब में खालिस्तान बन रहा था, हमने पंजाब को हिंदुस्तान से जुड़ा नहीं होने दिया। जब दीवारों के अंदर नारे लिखे होते थे, आतंकवादी ये नारे लिखा करते थे, ना सेकुलर हिंदू रहेगा, ना सेकुलर मुसलमान रहेगा, ना सेकुलर सिख रहेगा, ना सेकुलर ईसाई रहेगा। हम अपने नौजवान दोस्तों के साथ कॉलेज के हम भी स्टूडेंट थे, काले रंग का और वाइट रंग का डब्बा लेके, बुरश लेके दीवारें मिटा करके लिखा करते थे, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म, धर्म एक, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, गोलियां चलती थी। हमें डराते थे, पर हम वो भगत सिंह जी को याद करते हुए, इस्तफाकुल्ला खां को याद करते हुए, राजगुरु सुखदेव को याद करते हुए यही कहा करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दूर कितना बाद हुए करते थे। हम चीफ मिनिस्टर होते, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर होते, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर होते, हमने काम नहीं, हमारा मिशन पूरा हुआ पंजाब के अंदर, पंजाब में अमन शांति आया, बहनों के सुहागों की रक्षा की, बच्चों की रक्षा की। अब हम पूरे देश में निकलेंगे, हम पूरे देश में निकल पड़े, आज जवान हमारे शहीद होते हैं। जब जवान घर से निकलता है मौत का कफन पहन करके, जब अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, बच्ची को देखता है, तो उसकी आंखें नम होती हैं, वो सोचता है मैं पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, पता नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे में मेरी बॉडी आएगी मेरे बच्चों के पास, पर उन बच्चों को माता पिता को नहीं पता होता, पर जवान की आंखें जरूर नम होती है। वही होता है, वो जाता है अपने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करता हुआ, और उसकी कुछ दिन के बाद उस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे के अंदर लिपटी हुई उसकी बॉडी आती है,
वो भी तो जवान है जो अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, तो हम भी अपने कर्तव्य को पूरा करें। आज 12,000 करोड़ नक्स लाइटों का तबाह हो गया इस नोटबंदी के कारण, जो 70-70 जवान रोज शहीद करते थे, बम्बों से गाड़ियां उड़ा देते थे हिंदुस्तान के अंदर, एक बाहर एक अंदर, पर हम जवानों की चिंता किसी को नहीं। जो शहीद हो जाते हैं उनकी बेटियों की, परिवारों की, बच्चों की चिंता किसी को नहीं। हमें तो अपनी पॉलिटिक्स करनी है, हम तो राजनीतिक लोग हैं, हम तो लाशों में भी राजनीति कर देते हैं, जैसे सुमित्रा जी साहब ने बताया, हम राजनीतिक लोग कर जाते हैं। झंडा उसको ऊपर चढ़ाया जाएगा, फोटो आएगी टीवी में, अखबारों में, उसके बाद कौन पूछता है। ये हमारा पैरामाउंट एक ऐसी संस्था, ऐसी श्रद्धांजलि, ऐसा एक कार्यक्रम किया है सुमित्रा साहब ने, हमें उनके साथ जोड़ा, हम उनके साथ जुड़े, हमें एक उनका साथ मिला। हमने जीवन में बहुत लोग देखे, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, टाटा देखे, बिरला देखे, रिलायंस देखे, बड़े देखे, बड़े संत महात्मा देखे जिनके पास हजारों करोड़ है, पर कभी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा जी कुछ शहीदों के बच्चे हों तो हमें दे देना, हम उनको एडॉप्ट करते हैं, हम उनकी अच्छी शिक्षा देंगे, उन बच्चियों की शादी कराएंगे। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बोला। एक सहारा ग्रुप जरूर है संतो राय, जिसने मुझे कठिन समय में साथ दिया उन बच्चों के लिए, परिवारों के लिए। और सुमित्रा साहब पैरामाउंट पहली बार सामने आया है हिंदुस्तान के अंदर, हम उनको शिक्षा भी देंगे, हम उनका रहने का भी करेंगे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और हम उनको खाना भी फ्री देंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ। कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कौन मना करता है, उसको बढ़ाओ, पर समाज को क्या दे रहे हो, समाज को, देश को आप क्या दे रहे हो उसमें से, वो कोई सामने नहीं आता। हर व्यक्ति कहता मैं पैसा कमा लूं, पर अरे पैसा कहां ले जाओगे भैया। जयललिता जी चली गई, गरीबों के लिए बहुत करती थी, कितने लोग बेचारे उसके गम में चले गए, क्या पैसा हाथ ले गए दूसरे के पास आया। हम अपने अपने समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी एनजीओ खुल जाती, बहुत एनजीओ खुल जाती है, फॉरन से फंडिंग आती है, इसको बाहर भेज दो, बाहर जाके बात करें, फॉरन से फंडिंग आती है, पर वो पैसा कहाँ जाता है, उस पैसे में सब गोलमाल होता है। फॉरन से फंडिंग आ रही, कोई अगर शहीद परिवारों के लिए, बच्चों के लिए जो अपने देश की रक्षा करते हैं, अगर उनके लिए कोई एक पैसा देने को तैयार नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, बच्चों की शादियों को तैयार नहीं कराने के लिए, उन परिवार को सेटल करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये पैसा किसी काम का नहीं है। ये पैसा सिर्फ उनके और उनके परिवार के लिए है, ये मातृभूमि के लिए पैसा नहीं है। हम तो मातृभूमि को लूट रहे हैं। मजाक क्या है, मैं तो मुझे तो कभी नहीं किसी ने आके लाइफ में कहा आप शहीद परिवारों के बच्चों को देखते हैं, उनको पेट्रोल पंप दिलाते हैं, बच्चों की शादियां कराते हैं, उनके दुख सुख में जाते हैं, तो हमें भी सेवा दे देना, हमें भी कोई सेवा दे देना, हम बच्चों को परिवार के लिए हम भी कुछ कर लें। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को सबको पता है हिंदुस्तान के अंदर मैं लगा हूं इस मिशन में, एक भी कोई संस्था ऐसी नहीं आई, एक संत महात्मा जो इतना करोड़ों रुपया कहते हम करते, कोई नहीं आया कि हमें भी चार बच्चे दे देना इनकी एजुकेशन के लिए करेंगे। तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये है, हम कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ धोखा तो कर रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम भारत माता की जय नारा लगाना आसान है, ये कैसी मंत्र, ये आसान है क्या? क्या शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, बिस्मिल, वो बिस्मिल जिसने फांसी के रस्से को चूमने के वक्त, फांसी के रस्से को चूमने के वक्त उनको एक ख्वाहिश पूछी जेलरों ने, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहने लगा अगर हमारे धर्म के अंदर दोबारा जन्म होता है
तो मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करूंगा, अल्लाह के आगे यही प्रार्थना करूंगा, मुझे बार बार इस मातृभूमि पे जन्म दे, इस मातृभूमि के लिए बार बार फांसी चढ़ूं, इस मुल्क को आजाद कराऊं, मैं फिर जन्म लूं। आपकी तरफ स्टूडेंट कभी पढ़ा, 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, स्टूडेंट लीडर, उम्र छोटी, इतिहास लंबा। और जब हम भी दुनिया से चले जाएंगे, शहीद आजम भगत सिंह की कैसा योद्धा था, उसका इतिहास ही कभी खत्म होने वाला नहीं। हिंदुस्तान के कण कण कोने कोने में हर मजहब हर धर्म के अंदर शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया जाता है। जब शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमने जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते, माँ सामने होती, माँ कहती भगत सिंह तू रो पड़ा, मैं क्या कहूंगी, मेरा भगत सिंह फांसी के रस्ते को देख के रो पड़ा। कहता नहीं माँ, मुझे एक तस्वीर नजर आती है, मैं मौत से नहीं डरता हूं। फांसी के रस्ते को चूमने के बाद राजगुरु सुखदेव, मुझे तस्वीर नजर आती है, गोरे अंग्रेजों से तो भारत आजाद हो जाएगा, ये काले अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा, ये भगत सिंह ने उस वक्त कहा। भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही कहो, जो इतने साल पहले की बात फांसी के रस्ते के चढ़ने के वक्त कह दी। और जब फांसी के रस्ते के तरफ चढ़ने के लिए जाते हैं, क्या कहते हैं, वंदे मातरम करते फांसी का रास्ता खिंचता है, शहीद हो जाते हैं। यहाँ जो भी उठता है भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम, भारत माँ का मतलब तो समझो, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को कैसे एक रखना है, हमने मातृभूमि की रक्षा कैसे करनी है, यहाँ तो कांटे ही कांटे हैं। मातृभूमि भारत माँ की जय जो दिल से लगाएगा उसके लिए कांटे ही कांटे, उन कांटों से कैसे निकलना है। शहीद आजम भगत सिंह इस्तफाकुल्ला खां कहा करते थे, इस देश के अंदर देश को आजाद कराने के लिए बड़ी मुश्किल आई है। उन्होंने कहा था, सेवा करनी है जिंदगी बड़ी औखी, जिन्होंने की लाख मुसीबतें जली हैं। हिंदी में इसका मतलब है सेवा करनी देश की बड़ी मुश्किल है, जिन्होंने देश की सच्ची सेवा की है उन लाख मुसीबतें उनको जलनी पड़ी। और जब शहीद आजम भगत सिंह 14 नंबर कोठरी के अंदर, लाहौर जेल के अंदर उनको बंद किया जाता है, उनके दोस्त मिलने आते हैं, स्टूडेंट दोस्त मिलने आते, कहते भगत सिंह तेरी शादी कब होगी। भगत सिंह हंसते हंसते कहते हैं, अगर इस गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, जो शहीद हो चुके मेरे दोस्त जो है स्टूडेंट वो मेरे बराती होंगे, वो जाएंगे। कहां गए ये चीजें, कहां गए वतन के नारे, कहां गए सेकुलरिज्म के नारे। हाँ ये जरूर है, उधर हमारे जवान शहीद होते हैं, उनकी बॉडी अभी घर में आती नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तरंगे में झंडी लिपटी हुई, और आपको हमें टेलीविजन पे जरूर देख सकते, रुमाल निकाले हुए, गोल गले की जैकेट डालते हुए, तेरे टाइम पे 26/11 हुई थी, वो कहेगा तेरे टाइम पे पठानकोट हुआ था, तेरे टाइम पे जयपुर में हमला हुआ था, तेरे टाइम पे दीनानगर में हुआ था। अरे लड़ाई आप लड़ने गए थे क्या, लड़ाई तो जवान लड़ रहे थे, हम उसके ठेकेदार बन जाते। नौजवान आपके हाथ में आप बहुत बड़ी ताकत है, आपको खुद नहीं महसूस कर रहे, सोशल मीडिया आपके हाथ में, एक एक नौजवान पत्रकार है आज, और वो पत्रकारी गई, वो पत्रकारी गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, उनके जमाने गए, मीडिया के वो जमाने लद गए, अब जमाने आपके हैं, चीज बुरी लगे टक टक करके भेजो, आगे के आगे मैसेज करो जो समाज के लिए गलत हो रहा है, अपने कमेंट्स दो। वो वक्त था जब चैनल वालों को कहना पड़ता था, अरे आप ये क्या दिखा रहे, आज वक्त आपके हाथ में है, इतनी मेहनत करते आधा घंटा इसी पे भी लगा लो, अगर समाज के अंदर किसी नेता के ऊपर समाज में गलत हो रहा है तो 2 मिनट में SMS करो, मैसेज करो। मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो अभी सुमित्रा साहब ने मेरा फोन शुरू कराया, मैं तो प्रैक्टिकल काम करने वाला आदमी, अब अभी भी सीख रहा हूं, पर अभी सीखा नहीं है पूरा, पर मुझे आज इतना लग रहा है कि आज तो हमारे हिंदुस्तान का हर नौजवान हर स्टूडेंट जो है वो पत्रकार बन चुका है, उसको कोई चीज बुरी लगे फटाफट संदेश दे सकता है,
लोगों को समाज को जगा सकता है। तो हमारे स्टूडेंट दोस्तों, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर यहाँ आए हैं तो किसी मिशन के लिए, कुछ बनने के लिए आए हैं। आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कस्टम में जाएंगे, डीएसपी बनेंगे, कहीं भी जाएंगे। असूर ये बना लो कि हम कंप्रोमाइज जब अपनी पोजीशन पे जाएंगे हम नहीं करेंगे। हमें बदल के कोई भी कहीं कर दे, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जब आपका ये मिशन सोच सही हो जाएगी तो आप उस मिशन पे जरूर पहुंचेंगे। अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर ऐसी एजुकेशन लेने का कोई फायदा। मैं भी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मेरे पास चीफ मिनिस्टर आते थे, मेरे पास सेंटर के मिनिस्टर आते थे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको बना दो, इसको हटा दो। मैं आंखों को यहां रखता, एक पॉलिटिशियन होकर के ये गलत है, ये नहीं होगा। और एक साल के अंदर 8 बार अपना रिजाइन प्राइम मिनिस्टर को देने जाता था, सर ये मेरा काम नहीं है। हम जो करेंगे देश के लिए करेंगे, जो करेंगे समाज के लिए करेंगे, जो करेंगे आपके लिए करेंगे, पार्टी के लिए करेंगे। हम ऐसा काम नहीं कर सकते जिस जो काम आज करेंगे इसका 10 साल के बाद इसका रिजल्ट बाद में गलत निकले, ये मेरा रिजाइन है। 10 बार 8 बार 5 बार साल में रिजाइन देने जाता था और 6 साल में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद हम थे। हमने कभी गलत कंप्रोमाइज नहीं किया। लोग फंड देने आते थे, हमें करोड़ों रुपए फंड देने आते थे, बैग भर भर दो होते थे, उनके हमारे काम का नहीं है। लेकिन हम सबको देते, आप दो, हमारे काम का नहीं है। पैसा देना है, पार्टी फंड है, ऑफिस दे दो, हम पैसा नहीं लेंगे। हमने पैसा नहीं लिया, हम अपने घर भर लेते पैसों से। असूल थे, हमने असूलों के साथ गलत कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आज हम मंजिल पे निकले हैं, जरूर मंजिल मिलेगी। अब नोटबंदी हुई है, आने वाले टाइम पे हम तो चाहते आने वाला वक्त हमारे नौजवानों के लिए एक ऐसा देश बने, ऐसा मुल्क बने कि हमारे किसी नौजवान को कभी तकलीफ ना हो, हम पीड़ा सहन कर ले उसकी। हम अगर पीड़ा सहन कर लेंगे, बड़े जितने भी लोग हैं, हम बड़े लोग पीड़ा सहन कर लेंगे तो हमारे नौजवानों का आने वाला देश बहुत मजबूत होगा। अगर हम ऐसे चलाएंगे देश को, 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल तुम करोगे, 5 साल तुम करोगे, फिर वही आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, आप भी भावुक हो जाते। हिंदुस्तान का नौजवान भावुक हो जाता है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, अभी रामलीला ग्राउंड के अंदर पिछले 2.5-3 साल पहले आप एक आंदोलन देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आंदोलन में क्या था, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे लहरा रहे जाते। मैं भी घर में बैठे उस आंदोलन में शामिल हो गया, वहां तो नहीं गया, मैं नहीं जा सकता, पर मैंने कहा इस मुल्क को नई आजादी मिलने वाली है, इस मुल्क के अंदर नया महात्मा गांधी आने वाला है, इस मुल्क के अंदर नौजवानों का फ्यूचर बनने वाला है, इस मुल्क के अंदर एक मजबूती और करप्शन खत्म होने वाली और मजबूती आने वाली है। क्या हुआ, हमने कहा हम तो मर जाएंगे, ये करप्शन के ऊपर लोकपाल बिल पास होना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। मैंने गलत कहा, वादा किया था लोगों से, जवान शहीद हो जाएगा, उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, पर हम राजनीतिक लोग वादा करके मुकर जाते हैं। और जब मौत आती है, भूख लगती है, तो फिर हम जूस मंगवाते हैं। एक मिनट बेटा रुक जाओ, हम जूस मंगवाते हैं कि मौत आने वाली है। अरे रोज शहीद होते हैं जवान, आप भी देश के लिए कुर्बानी दे दो। ये तिरंगे झंडे लहरा करके, मातृभूमि की बात करके, वंदे मातरम हमें इमोशनल करके, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों को, दुनिया के अंदर बैठे हिंदुस्तानियों को आपने भावुक कर दिया। अरे एक व्यक्ति अगर कुर्बानी दे देगा, फर्क पड़ता क्या, देश जाग जाएगा, फर्क पड़ेगा क्या ना। बड़े नेता को बुलाते, संत महात्मा को बुलाते हैं, फिर जूस आता जैसे जैसे जूस आता, कहते वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम करते जूस पी के उस आंदोलन को खत्म कर देते हैं। जवान शहादत दे देता है, पर नेता शहादत देने को तैयार नहीं है, जूस पी जाता है, एक कुर्सी सदा संभाल लेते हैं। और दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर गांधीवादी को धोखा देके भेज देते हैं। क्या देश ऐसे चलेगा?
ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ होगा। मातृभूमि भारत माता की जय, वंदे मातरम कुर्सी सत्ता के लिए क्या आंदोलनकारी है तो आंदोलनकारी रहो। शहीद यादव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इत्तेफाकुल्लाह खां, रानी झांसी, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह खां आंदोलनकारी थे। वो भी देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बन सकते थे। कितने ना हम आने वाली जनरेशन को एक नया भारत देना चाहते हैं, हम फांसी के रस्से को चूमना चाहते हैं, हमें कुर्सी सत्ता का लालच नहीं है। तो उन्होंने कुर्बानी दी और जब कोर्ट के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनके स्टूडेंट दोस्त इकट्ठे होते जाते तो हंसते हैं जोर जोर से भगत सिंह जी। जब कहता है भगत सिंह जी इस कोर्ट के अंदर इजाजत नहीं है हंसने की, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव कहते हैं जज साहब जब हमें फांसी होगी हम हंसते हुए वंदे मातरम भारत माता की जय नारे लगाते हुए फांसी का रास्ता खींचेगा हंसते हंसते, क्या उस वक्त भी हमें रोक लोगे क्या? वो था स्टूडेंट लीडर, वो थे नौजवान। आज बताओ कहाँ है पिता एमपी, वाइफ मेयर, बेटा एमएलए, आगे नई जनरेशन तैयार खड़ी है उस लाइन में लगने के लिए, नेता बनने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारा जवान अब्दुल हमीद पैंथर्स की जंग का जवाब, जब पाकिस्तान से बम चलते थे अकेले अपने पूरे बम बार करके पाकिस्तान के थॉट टैंक तबाह कर दिए, आगे अभी भी उनकी जनरेशन फौज में है, आगे तैयार खड़ी, वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देंगे। पर हम पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपी, काउंसलर कभी पूछना किसी नेता को, भैया आप राजनीति में क्यों हो, पूछना कभी राजनीति में क्यों आए हो? अगर वो देश की एक भी बात कर दे, मुल्क, मातृभूमि, सेक्युलरिज्म, भारत, तो मुझे आगे पकड़ लेना। ये आज के नेता, वो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी, फ्रांस, कहां कहां, रशिया, अफगानिस्तान, पहाड़ों पे, पता नहीं कहां कहां, वोट के जरिए आपके लिए इस मुल्क को आजादी दे जाए सुभाष चंद्र बोस। और एक बार हिटलर को मिलने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, हिटलर मिलने से मना कर देता, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का टाइम मिलता है। हिटलर कहता है हिंदुस्तान के अंदर को, कहता है मैं हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, कोई कहने को तैयार नहीं, मैं भारतीय हूँ। इतना बड़ा देश, एक छोटा सा कंट्री आके देश पे कब्जा कर गया, हिंदुस्तान में आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की फौज का गठन किया, आजाद हिंद फौज नारा रखा, नारा दिया लोगों को आप हमें खून दो हम आपको आजादी लेके देंगे। वो थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आज के नेता, मैं किसी नेता को बुरा नहीं कह रहा, अच्छे भी हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी, मैं ठीक है मैं किसी पार्टी से हो सकता हूं पुराना, पर आज अगर नरेंद्र मोदी आने वाली जनरेशन के लिए 2-3 साल के बाद एक नया भारत बना के जा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी के टाइम के ऊपर औरतों ने अपने गहने उनके आगे रख दिए। सुभाष चंद्र बोस जी, ये गहने आपके पास है, मुल्क को आजाद कराना है, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री, जब देश में सूखा पड़ा, अमेरिका ने बेचने से मना कर दिया अन्न, लोगों को कहा एक दिन खाना नहीं खाओगे, लोगों ने 2-2 दिन खाना नहीं खाया। अभी तक इस विचारधारा के लोग हैं जो 2-2 दिन अभी भी पेट खाली रखते हैं इस मुल्क के लिए, मातृभूमि के लिए। आज तो हमारे पास सब कुछ है, क्या कमी है? कुछ समय के लिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में क्या क्या लिखा जाता है जरा देखो तो सही, क्या पैसे वो अपने घर में लेके जा रहे हैं? हमसे खुले खर्चे थे हमारे, 20,000, 30,000, 50,000 ले जाओ, आज हमें पैसे निकालने में भी दिक्कत होती है। किसी को 20 रुपए देने पे सोचना पड़ता है हमें, पैसे किसके बच रहे? हमारे बच रहे। आते किसकी ठीक हो रही? हमारी हो रही है। आते किसकी ठीक हो रही? हमारे बच्चों की हो रही।
हम मॉल में जाने के लिए कई बार हमारे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, हम दूसरों को देख के कहते हैं अरे वो मॉल में गए अपने पापा मम्मी हम भी मॉल में जाएंगे, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके पीड़ा दोगे कि क्या आप, क्या हम उस संस्कृति में उन संस्कारों में नहीं जा सकते, हमें संस्कार मिल रहे, आप जरा सोचोगे संस्कार मिल रहे, हम एक एक हम डिसिप्लिन में आ रहे हैं। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आके लोग नौजवान बैंकों से लोन लेते हैं, पैसे लुटाते नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आपके आगे दिखाएंगे, देखो मेरे पास ये गाड़ी है, अरे जो तेरे पास है जो आज है भैया उसी में रहो, हम नौजवानों को क्या दिखाते हो, हम जितने में हैं हम उसी में खुश हैं, फाइव स्टार होटलों में जाते, फाइव स्टार होटल से जाने में मना नहीं करता है क्या, जरा घर में कुछ सब्जियां कुछ अच्छी खा के तो देखो, अपने माँ का खाना खा के तो देखो, मैं आपके सामने मेरे शरीर में रॉड है पर मैं अपने शरीर को संभाल के रखा है, अगर मैं स्टिक ना पकड़ू तो मुझे को पहचान नहीं सकता, मेरे शरीर में लोहा भरा हुआ है, मैं सुबह उठ के क्या लेता हूँ, लहसुन खाता हूँ, हार्ट ठीक रहे, ब्रीड ग्रास का जूस पीता हूँ, नीम की पत्तियां खाता हूँ, कड़ी पत्ता की पत्तियां खाता हूँ, तुलसी की चाय पीता हूँ, एलोवेरा का जूस गाजरों के साथ पीता हूँ, कौड़ा होता है, सेब खाता हूँ, रात को भिगे हुए बादाम खाता हूँ, अभी तक मेरा पेट फुल है, घर जाऊंगा एक सब्जी होगी पीछे से कार्टन से लाएगा, चार चपाती खाऊंगा, दही खाऊंगा, खत्म कहानी, नहीं जी शाही पनीर खाएंगे हम, मटन चिकन खाएंगे हम, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, ये शरीर किसका है, ये शरीर हमारा है, शरीर आपका अच्छा है, शिक्षा आपने ले ली, शरीर आपने ठीक नहीं रखा, डॉक्टरों के पास चले गए, डॉक्टर वकीलों के पास भैया जो चला गया वो क्या करेगा आपको पता है, हार्ट में तकलीफ नहीं होगी, वो कहेगा नहीं जी हार्ट में नाक बंद हो गई, ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, पैसे की खातर ऑपरेशन कर देंगे, आपके माँ बाप की कमाई उनकी कमाई बेचारों की पेंशन है, कैसे एक ही झटके में डॉक्टर ले जाएगा, क्यों आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अच्छी एजुकेशन लेना बहुत अच्छी है, किसी मुकाम पे पहुंचना बहुत अच्छा है, शरीर को कौन ध्यान देगा, शरीर को ऐसे मत समझो ऐसे भाग रहे हैं दिक्कत नहीं, भगवान चला रहा ना, भगवान एक वक्त देता है 40 साल 45 साल 35 साल की उम्र का जो खाना खा लो, पर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी, अगर डॉक्टरों के चक्कर में भैया फंस गए, ये हमारी जिंदगी की एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो भैया दुकान खोल रखी है और दवाइयां ऐसी देंगे वो एक चीज ठीक होती होती दूसरे पे असर करेगी तीसरे पे असर करेगी, यहाँ आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं, यहाँ देशभक्ति सीखनी है, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, बड़े बड़े अखबारों में ना भारत है हिंदुस्तान टाइम है हिंदुस्तान हिंदी है उसमें बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं शनिवार के पेज के अंदर, पढ़िए सेहत के बारे में क्या है, अपनाइए, पैसे भी कम सेहत भी अच्छी और किसी को दूसरे को भी समझाइए, आप हैरान होंगे मैं कई सालों से चीनी नहीं खाया, क्या लेता हूँ गुड़ लेता हूँ शक्कर लेता हूँ चाय नहीं पी तुलसी की चाय पीता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ अगर अभी से आपने बहुत आगे जाना है और सेहत को अच्छा रखना अच्छे मिशन पे जाना तो अपनी सेहत का ध्यान भी रखना पड़ेगा, मैं चीनी नहीं लेता, आजकल क्या कहते हैं मैकडॉनल्ड बड़ा पिज्जा क्या होता पिज्जा हमें पता नहीं, डब्बे का जूस होता है ऑरेंज जूस सर्दियों में ऑरेंज जूस, अरे उसमें सक्रीन है मीठा है शुगर करेगा पेट बढ़ाएगा वेट बढ़ेगा, ग्रीन टी बिल्कुल अच्छी है नहीं पी तुलसी की चाय मिलती तो ग्रीन टी ले, जिसके घर में तुलसी किसी माँ ने लगाई हुई या माता पिता ने वो तुलसी के पत्ते निकाल करके गर्म पानी में डाल के अदरक डाल के काली मिर्च डाल के लाची डाल के और हनी बाजार से लेके उसमें डाल के पी के तो देखो ग्रीन टी का भी ग्रैंडफादर है, आपको जुकाम नहीं होगा, आपको कभी बुखार भी नहीं होगा, फ्री फ्री है ग्लोई ग्लोई देखो तो जब डेंगू होता है मलेरिया होता है डॉक्टर के पास भागते, अगर अभी से हम कहीं से ग्लोई तोड़ ले पेड़ों खरीदनी नहीं है वो भी चाय में डालो रोज तीन बार लो जिंदगी में कभी बीमारी होगी नहीं, स्वामी रामदेव मैं मानता हूं कि उन्होंने बिजनेस शुरू किया ये पर स्वामी रामदेव ने हमें कितना कुछ दिया है, एक हमें अच्छी सोच तो दी है,
मेरी जो रिक्वेस्ट है कि देश को अगर बनाना है, देश को मजबूत करना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और दिन में एक बार जरूर शहीद आजम भगत सिंह जी का एक सॉन्ग, अजय देवगन वाली मूवी का, वो जरूर सुनिएगा, आपके अंदर जज्बा आता रहेगा, आप भी जरूर उसकी तरह एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, इतिहासकार बनेंगे। और जो आज सुमित्रा साहब ने एक मूवमेंट शुरू की है, एक आंदोलन शुरू किया है, ये आंदोलन हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे युवाओं के लिए, नई जनरेशन के लिए और उन शहीद परिवारों के लिए, हमेशा हम वचनबद्ध रहेंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे वादा करके जाऊँगा कि जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, या कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं, वंदे मातरम।